बिजली संकट के बीच आई आंशिक राहत की खबर। 43 मेगावाट की रावत भाटा पन बिजली घर की बंद 3 यूनिटें शुरू हुई है। बंद पड़ी 4 में से 3 यूनिटों में बिजली का उत्पादन फिर से शुरू हुआ। 50 साल पहले कनाडा जनरल इलेक्ट्रिकल ने स्थापित किया था ये प्लांट। रावत भाटा आरपीएस पन बिजली घर की यूनिटें डूब गई थी और बारिश के पानी में साल 2019 में बारिश के पानी में बिजली की यूनिटें डूब गई थी, जिसके बाद आरबीयूएनएल के सीएमडी आरके शर्मा के प्रयासों के बाद इंजीनियरिंग विंग ने शुरू की इकाई। तो बिजली घर की बंद 3 यूनिटें फिर से शुरू हुई हैं। 50 साल पहले कनाडा जनरल इलेक्ट्रिकल ने ये प्लांट स्थापित किया था। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को जरा देखिए, 43 मेगावाट की और 3 यूनिटें बताई जा रही थी जो बंद थी, लेकिन फिर से शुरू हुई। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, 3 यूनिटें जो बंद थी फिर से शुरू हुई हैं, कैसे, जो इतनी बड़ी राहत की खबर यहां से आई, कैसे ये है पूरा ऑपरेशन एक तरह से किया गया विकास? देखिए, बिल्कुल, जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लगातार प्रयासरत था इस बात को लेकर की जो बंद यूनिटें हैं उनको लगातार कैसे शुरू किया जाए, और उसके तहत खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आर के शर्मा जो हैं लगातार प्रयासरत थे। खुद 2 बार 3 बार वहां दौरा कर चुके हैं, उसके बाद में अब जा करके उस सफलता हासिल की गई जब 43 मेगावाट की रावतगढ़ पन बिजली घर की 3 बंद यूनिटें जो है वो शुरू कर दी गई। बंद 4 यूनिटों में से 3 यूनिटों में उत्पादन शुरू है, और ये जो उत्पादन शुरू हुआ है ये 50 साल पहले कनाडा जनरल इलेक्ट्रिकल ने इस प्लांट को स्थापित किया था, और 2019 के अंदर बारिश में पानी में डूबने के कारण ये यूनिटें बंद हो गई थी। उसके बाद से लगातार प्रयास जारी थे कि यूनिटों को किस भी तरह से शुरू किया जाए, और उसके तहत आज जो 3 यूनिटें हैं उनसे उत्पादन जो है शुरू हो चुका है, और जो तीनों जो यूनिटों से उत्पादन शुरू हुआ है ये उत्पादन कह सकते हैं राजस्थान में बिजली का जो संकट चल रहा है उस बिजली संकट में काफी कैसे आंशिक राहत जो है वो कही जा सकती है। विकास, देखिए 4 में से 3 बिजली का उत्पादन करने वाली यूनिट शुरू हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो एक बची है इसमें कब से उत्पादन शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।